पावन हो गया है बाबा कल्पनाथ का शिवलिंग। जो चट्टान आपको दिख रही है ये शिवजी की जटा है। तो लोग ये है सप्त बद्रियों में से एक ध्यान बद्री जी का मंदिर। तो हाय गाइस, तो अभी हम उर्गम आ गए और आप वहाँ पे स्नो वाले पहाड़ देख सकते हैं। ये आप घर दिख रहे होंगे, इन घरों में लोग रहते हैं। तो भाई अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं देवग्राम उर्गम घाटी में और बहुत ही सुंदर वो घाटी लग रही है, देखो वो है देवग्राम। जय हिंद सबको, मेरा नाम अभिजीत जमलोकी, आप मुझे केदारवासी के नाम से जानते हैं और आपका स्वागत है केदारवासी के ब्लॉग्स के नए एपिसोड में। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बहुत ही स्पेशल ट्रिप पे उत्तराखंड के कोल्ड डेजर्ट में, जो की है नीति वैली। तो अभी हम पहुंच गए देवप्रयाग, तो माँ गंगा का यहाँ से हम आशीर्वाद लेंगे। ये देखो ये आ रही है भागीरथी, जो की गौमुख से आती है, वो गंगा नहीं होती है, वो आप पिछले ब्लॉग में देख लेना बताया मैंने। अलकनंदा आ रही है, तो अलकनंदा ही वाले रोड पे हमें काफ़ी आगे तक जाना है। वो ऊपर शिव जी का मंदिर है और ये यहाँ से पहली बार गंगा बन रही है सागर। इसकी हाल हैरी। और ये मेरे परम मित्र हैं अभिषेक नेगी जी। हाय सर, कैसे हैं आप? केदारवासी जी, आपसे मेरे को भी मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। इस चीज के लिए बहुत मेहनत की गई बनाने के लिए, और एक्टिंग करने के लिए। देखो सब कुछ करना, ओवर एक्टिंग मत करना लाइफ में, क्योंकि वो पकड़ी जाती है तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। देखो अभी बस देवप्रयाग से हम आगे निकलेंगे, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, और बताते रहेंगे आपको। आज हवा हुआ चल रही है, मौसम भी बादल जबरदस्त हो रखे हैं, नीचे गंगा माता का आशीर्वाद है। तो बस अब यहाँ से आगे चलते हैं, आगे दिखाएंगे आपको। और नेगी उर्गम भी जाएंगे हम आज, ओ महाराज उर्गम घाटी जाएंगे हम। उर्गम जाएंगे आज, कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो नेगी मेरे साथ रह के अब धार्मिक हो चुका है, पहले नहीं था ये इतना। तो देखो संगत का असर बहुत अच्छा होता है। तो लोग अभी हम पहुंच गए धारी देवी। धारी देवी माता चार धामों की प्रोटेक्टर है और हम अभी जा रहे हैं नीति। तो अपनी हर यात्रा से पहले करने चाहिए, नहीं करने चाहिए भाई, धारी देवी के दर्शन बिल्कुल करने चाहिए। शी इज आवर प्रोटेक्टर, शी इज आवर प्रोटेक्टर। तो देखो चले नहाने, एक ठुपकी मारा गरम हो रहा पूरा। देखो नीचे धारी देवी माता का मंदिर और यहाँ पे अब तो जेट स्की वगैरह भी चल रहा है, तो आप आके कर सकते हो। वैसे तो मंदिर के पास क्या ही है, बट वो है देखो मंदिर। अब यहाँ से ज़्यादा भी हमको जाना है, ज़्यादा ही जाना है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। जाएंगे आगे। अब ये वाला ये जगह आपने देखी भी है पहले के ब्लॉग्स में, तो ये नहीं दिखाएंगे, मेन दिखाएंगे जब उर्गम पहुंचेंगे वहाँ का, बढ़िया आएगा। तो ये तो देखा हुआ, पीछे ब्लॉग्स देख लो, आगे चलते हैं। तो भाई लोग अभी बहुत लंबी ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हिलंग। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है पार्क, वो है नेगी। और ये देखो बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, बारिश होने वाला है, तो बारिश नहीं होना चाहिए। सागर जी वहाँ पे बैठे हैं, इधर हम चाय पियेंगे और फिर वापस ये जा रही है जोशीमठ के लिए। तो अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे उर्गम घाटी, क्योंकि उर्गम में भी हमारा थोड़ा काम है। हमको वहाँ पे लॉज वॉज अपनी ट्रिप्स के लिए फाइनल करने की, कौन से हम कराएंगे, और कल्पेश्वर महादेव के भी दर्शन करेंगे और ध्यान बद्रि के भी दर्शन करेंगे। तो बहुत साथ दे दिया आज भी धनों ने। कहाँ पहुँच गई है, कहाँ पहुँच गई नरे, कहाँ पहुँच गई? अरे भाई साहब, कल धो के लाए थे, अब आज से, अब इसको 5 दिन बाद देखना चाहो बाबा की पूरी सफ़ेद काली पट्टी हो गई। कल तो भाई इसके ये टायर एकदम काले पड़ गए थे, आज तो सफ़ेद लग रहे हैं, पर लग रही है खतरनाक। ये पीछे हमारे साथ फॉरेनर भी चल रहे हैं, भैया जोशीमठ कह रहे थे, कहाँ ले जा रहे हो? जोशीमठ की रोड ऐसी तो नहीं थी सर, खतरनाक जगह है गाइस। सर आप कहाँ लेके आ गए हमें? ये बहुत खतरनाक जगह है गाइस, इस जगह में आप जरूर आना एक बारी जब पीक एडवेंचर ट्रिप कर रहे। चलो जल्दी कराएंगे, जल्दी। और हमारा रास्ता रुक गया, देखो आगे उधर गाड़ी। इस जेसीबी राइड को देखेंगे गाइस, कम ऑन आ जाओ। ये देखो गाइस जेसीबी की खुदाई किस तरीके से होती है, आज आपने शायद पहली बार देखा हो। केदारवासी एक्सक्लूसिव ऑन केदारवासी व्लॉग्स। गाड़ी में आगे लिखा आर्मी कभी उर्गम जा रही, कभी जोशीमठ जा रही। तो भाई अभी यहाँ पूरा खुला हुआ रूट था और अभी देखो यहाँ बगल में जंगल आ गया बिल्कुल, थोड़े से पैच के लिए। क्या मस्त लग रहा है, रोड थोड़ी सी ऑफ रोड है यार, आधी क्लास वालों के थोड़ी भी यार, आधी क्लास में कम से कम चौड़ी तो है और खराब है। हाँ चौड़ी तो है, चौड़ी भी नहीं है, खराब भी। देखिए गाइस, देख रहे हैं आप, वो चढ़ने में मेहनत लगती है। क्या आप जो शहरों में बैठे हैं अपने अपने घरों में और अपने अपने ऑफिसों में, ये मेहनत कर पाएंगे? कर पाएंगे तो पीक एडवेंचर्स को डीएम करिए। उर्गम घाटी का जल्दी। तो भाई अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं देवग्राम उर्गम घाटी में और बहुत ही सुंदर वो घाटी लग रही है, देखो वो है देवग्राम। ये अभी यहाँ पे लियाड़ी गाँव है, ये नेगी है, ये सागर है। तो अभी मौसम भी एकदम देखो क्या जबरदस्त बादल ही बादल है यहाँ ऊपर से, ओ उधर जहाँ बर्फ देख रहे हो आप, वही
रूट जाता है आपका बंसी नारायण, फिर वहाँ से मधमेश्वर, रुद्रनाथ, इस साइड हो गया मधमेश्वर, आगे हो गया। देखो बहुत सुंदर सा वैली और एकदम शांत, कैसा लग रहा है भाई फर्स्ट टाइम? फीलिंग सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, मजेदार है ना, बहुत पीसफुल है जगह, बहुत जबरदस्त, पहाड़ पे अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर है यार उधर। अभी रोड, और रोड कैसे थे? रोड तो भाई साहब इतनी अच्छी रोड तो क्या बताएं, गड्ढे वो देखो, धुली थी गाड़ी हमने, दूर खड़े करके थे वो गाड़ी धुली थी, गाड़ी धुली थी, ये देख लो क्या हाल हो गया इसके, बढ़िया हो गया। तो बस वो देखो, वो रहा पीछे उर्गम घाटी, तो फिर उर्गम घाटी में जाएंगे, कल्पेश्वर महादेव में जाएंगे, और सप्त बद्रियों में से एक बद्री जो है हमारे बद्री ध्यान बद्री, ध्यान बद्री में भी जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, उन्होंने सोचा यहाँ पे रुक जाते हैं। देखो यार क्या सुंदर है, यहाँ के रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बताओ कैसा लगा आपको कमेंट्स में, कैसी लगी है घाटी अगर आपको उर्गम फिर से आके? फिर से मैं तो पहली बार ही आया, कैसा लग रहा आपको पहली बार आके? बहुत अच्छा परिवार बढ़ गए ना कोविड में, बच्चे फुल फैक्ट्री चली है, लोगों सब लोग घर में खाली थे, काम काज ज्यादा था नहीं, तो कुछ तो करना है समय बिताने के लिए, इसमें लेते हैं। तो हाय गाइस, तो अभी हम उर्गम आ गए और आप वहाँ पर स्नो वाले पहाड़ देख सकते हैं, ये आप घर दिख रहे होंगे, इन घरों में लोग रहते हैं और उनमें कभी कभार एक आंटी और एक अंकल होते हैं और कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, और बाकी ये रोड है और ये आपका देख रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, मुझे भी नहीं पता क्या है बताना कमेंट्स में गाइस। बाहर हो गई है भयानक बारिश अभी हमें देवग्राम में, और ठंड लग गई है लोंडो को तो भाई यही क्या, यही ठंड लग गई ऊपर, क्या यही ठंड लग गई है। उधर से देखो अपना तोता वाला जैकेट निकालते हैं, वहाँ पर मिस्टर अभिषेक नेगी पौड़ी से आते हैं, धीमे गेंदबाज फास्ट बॉलर बहुत फास्ट बॉलर हैं। तभी यहाँ पे नेगी के एक दोस्त हैं, उनसे मिलने जाएंगे हम नीचे, फिर उसके बाद अभी जाना था मैं सीधे कल्पेश्वर महादेव था, बट बहुत बारिश हो रहा है, देखो बाहर भयानक बारिश हो रहा है, तर 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 बारिश में फ्लीस पहन रहा है, फीका हो गया फीका तो है, दूसरा कलर है तो देगा। तो भाई अभी उधर उर्गम 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 देवग्राम उर्गम में अभी हम घूम रहे हैं, जैकेट वैकेट पहन दिया क्योंकि ठंडा लग रहा है, और अभी हम जा रहे हैं अभिषेक के नेगी के दोस्त के घर पे, बारिश हो रहा है और क्या मौसम हो रहा है देखो, वाह। तो यहाँ से नीचे नीचे जाना है और पहुँच जाएंगे, वो देखो भाग रहे हैं तेज तेज। तो बहुत सुंदर उर्गम घाटी यार, मेरा दो तीन बार आ गया मैं यहाँ पे, बट हर बार एक नई चीज़ देखने को मिलती है, और अभी तो मस्त बारिश हो रहा है, ठंडा हो गया है बढ़िया। और ये देखो बाबा का मंदिर है, जय बाबा कल्पेश्वर। आगे चल रहे हैं फिर गांव का सुंदर सा भाटा, गांव के पुराने घर बहुत ही ज़बरदस्त, अभी भी यहाँ पर उर्गम, क्योंकि बहुत दूर है लोग पहुँच नहीं पाते यहाँ पर ज़्यादा, रोड भी बहुत ख़राब है, स्टिल लोगों ने अपने पुराने घरों को अभी तक जीवित रखा है, जो बहुत कम देखने को मिलता है, बड़ा मस्त है। बस ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं वहाँ पे लोग, अभी ये पुराना एकदम मकान दिखाया, देखो पुराना एकदम गढ़वाली आर्किटेक्चर जो होता था पुराने ज़माने में, बहुत सुंदर है, और बारिश हो रहा है तो और मज़ा आ रहा है। अभी बाकी लोग पहुँच गए, लेकिन और पहुँच गए, मैं भी फटाफट से जाता हूँ चाय वगैरह पीते, फिर मिलते हैं आपको। और अभी हम पहुँच गए हैं अभिषेक के दोस्त के घर पर, देखो क्या सुंदर ये हमारा गढ़वाली बरामदा, पहाड़ी बरामदा, हमारे उत्तराखंड में ऐसे होता है, इनके कुमाऊँ में भी ऐसे ही होता है, ये कुमाऊँ नहीं है, हमारी लड़ाई होती है बहुत गढ़वाली और कुमाऊँ देते हैं तो ये देखो क्या मस्त है यार, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ भाई, कम घर उधर, ओ पार तो बड़ी बड़ी ना वहां कब घर सर, ओ देखो उधर तो टिल्ले पे दिख रहा मंदिर, कहां कहां मंदिर बनाते थे भाई पहले के लोग, और अगर जूम आउट करेंगे तो पता नहीं कहां है क्या, वो जूम आउट भी नहीं हो रहा इसमें, ओ हल्का सा वो दिख रहा, वो दिखा रहा था मैं आपको वहां पे, जो जूम इन तो हो ही नहीं रहा, फोकस भी गायब हो गया, ये देखो यहाँ कहाँ है वो, ये देखो एकदम ऐसे में, बाप रे। तो गाइज अभी हमें पता लगा है कि यहाँ से ओली के ऊपर जो गॉड्स ऑफ ओगयाल है वो भी दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ पे हमें उर्गम में, और उस सामने जहाँ पे बर्फ़ है, जूम करके दिखाता हूँ, तो देखो जहाँ हल्का हल्का आपको बर्फ़ बर्फ़ दिख रहा होगा वो गॉड्स ऑफ ओगयाल है, जोशीमठ इस साइड है, ओली इस साइड, तो ये जो गॉड्स ऑफ ओगयाल का दूसरा फेज़ है, अभी हम तो दी दिन बते, तो उधर है आपका गॉड्स ऑफ ओगयाल, बहुत सुंदर है यार, उधर पे एक मंदिर भी है देखो, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, देवी का मंदिर है यहाँ पे, खेत खलिहान जबरदस्त। तो भाई लोग देखो ये था वो, अभी बारिश रुक गई है तो अभी दिखाता हूँ आपको अंदर, ये ऐसे होते हैं हमारे घर, पुराने घर, देखो दरवाजा और ऐसे जाती है सीढ़ियाँ, फिर इधर उधर कमरे हैं, तो देखो ये कमरे हैं पुराने ज़माने के कमरे,
वो देखो बहुत जबरदस्त लग रहा है। वाह, तो भाई लोग अभी हम पहुंच गए हैं कल्पेश्वर महादेव, अभी पार्किंग में है तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है। और देखो क्या सुंदर सा ग्राउंड है, पीछे हिमालय जबरदस्त, और ये है कल्पेश्वर का फेमस वाटरफॉल। अभी हम जाएंगे तो आपको सामने से दिखाएंगे, इधर ऊपर है कल्पेश्वर महादेव का मंदिर। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे ज़्यादा चलना नहीं होता, क्या हुआ चलना तब क्या खोलना। तो फाइनली हम कल्पेश्वर के ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। गाइस प्लीज वेलकम मी बैक, नारासी व्लॉग को सब्सक्राइब करो गाइस। और ये देखो भाई सुंदर सा ये जबरदस्त झरना है कल्पेश्वर महादेव का, और वो ऊपर पे मंदिर है। ज्यादा चलना नहीं है आपको, 200-300 मीटर चलना है बस, यहाँ से नदी भी आ रही है। बस ये सीढ़ियां हैं ऊपर मंदिर, हम बस ऑलमोस्ट पहुंच गए, ज्यादा नहीं है। वो नीचे से आए हम, देखो पुल क्या जबरदस्त लग रहा है। तो वहां से ऐसे आना है, ऐसे नहीं ऐसे, और ऐसे में ऊपर जाके फिर ऐसे जाके वहाँ पे आ जाएगा। तो भाई लोग फाइनली हम पहुँच गए बाबा कल्पेश्वर जी के मंदिर में, वे आगे जाते हैं आपको दिखाते हैं, आगे दिख रहा है मेरे बहुत सुंदर है। तो ये रहा फाइनली गेट बाबा कल्पेश्वर जी के मंदिर का, अभी हम अंदर जाएंगे फिर वहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले नंदी जी के दर्शन करने हैं, और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं, त्रिशूल हैं बाबा केदार के, और आगे मंदिर है। तो बाबा लोग अभी फाइनली हम बाबा कल्पनाथ जी के मंदिर हैं। पांचवे केदार हैं, प्रथम केदारनाथ, द्वितीय मधुमेश्वर, तृतीय तुंगेश्वर, चतुर्थ रुद्रनाथ, और पांचवे हैं कल्पेश्वर। कल्पेश्वर आने का बटा रास्ता सबसे सरल है, बट सबसे कम लोग यहां पे पहुंच पाते हैं। तो अभी हमने पूजा वूजा कर दी, बढ़िया पंडित जी ने अच्छी पूजा करी, आपको दिखाता हूँ मैं। ये है द्वार, और यहाँ पर शिवलिंग है, और यहाँ पर यही मेनली जो ये वाला पत्थर देख रहे हो यही शिव जी की जटा बोला जाता है। तो कल्पेश्वर में शिव जी की जटा है। तो पांचवे जो केदार है कल्पनाथ, कल्प मतलब केश होता है, जो शिवजी की जटा है वही यहीं पे है, और बहुत सुंदर शिवलिंग के दर्शन हमें हुए। पूछते हैं अपने मित्रों से कैसा लगा आपको अंदर पूजा वूजा करके, बढ़िया जबरदस्त नहीं? बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे दर्शन केदारनाथ में हो सकते हैं बता? बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मेरे फेवरेट वैसे कल्पेश्वर महादेव हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा 12 महीने एक्सेसिबल है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप आएंगे आपके दर्शन ऐसे होंगे कि शायद आप PM हैं जिनके यहाँ पे दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से पूजा भी करते हो पंडित जी, जबरदस्त पूजा करते हैं आप, तो अनुभव भाई बहुत अच्छा लगा। मेरा पहली बार था कल्पेश्वर का, और बाबा जी ने वहाँ बढ़िया करके पूजा करवाई, लगभग आधा घंटा में पूजा में ही लगा, बहुत मजा आया, बहुत शांति मिली। आप लोग भी जरूर आइए कल्पेश्वर में, और हाँ फॉलो करिए पहले केदारवासी के ब्लॉग RS ग्रुप उत्तराखंड। तो ये थे बाबा कल्पनाथ के दर्शन। बस अब यहाँ से हम चलेंगे एक और मंदिर जो कि ध्यान बद्री जी का। तो कहते हैं कि कल्पनाथ के दर्शन करो और सप्तबद्रियों में से एक ध्यान बद्री के दर्शन ना करो तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो अब लोग ये है बाबा कल्पनाथ का शिवलिंग, हर हर महादेव, और बगल में गणेश जी हैं, और उधर नागेश्वर नागराज जी हैं। जो चट्टान आपको दिख रही है ये शिव जी की जटा है, कल्प मतलब केस जैसे मैंने आपको बताया, और शिव जी की जटा से वहाँ नीचे जल भी निकल रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो चलते हैं अभी वो देखने के लिए। ये तो मैंने आपको दिखाया ही, यहीं अंदर है मंदिर, हनुमान जी, नंदी जी, शिव पार्वती, डमरू भी लगा है, और यहाँ पे निकल रहा है जल। ये है जल भाई, यहाँ बटी वही हुआ, हाँ वही है, मतलब तो ये आ रहा है जल भाई, ये ओरिजिनल पॉइंट। क्या सुंदर पानी है, इस पानी को हम जरा पी लेते हैं, सर पर लगाते हैं। वाह, आप यहाँ पे CCTV कैमरे की निगरानी में हैं, आप हैं बनाई बाड़ी रे तेरी सड़ी देवल सी बाड़ी रे देखो इस चाय में इलायची भी है, कैसी लग रही है भाई चाय? देख सकते हैं आप मेरे चश्मे से कैसी लग रही है चाय। तो अभी ये चाय हमें जो मिली है स्पेशल ट्रीट मिला, हर किसी को नहीं मिलता है। क्यों भाई? तो अभी तक मेरे आगे 10 लोग आ चुके हैं, और 2 लोग आप यहाँ और देख सकते हैं आते हुए, शायद इन्हें भी ना मिले। तारा का प्रसाद कुछ ही लोगों को नसीब होता है। जय गुरु जी। तारा भाई को तारा यो तारा भाई ने की अभिषेक ने की, अरे देख ले ऐसे होता हमारे साथ आएगा ना, चाय भी मिलती है। तो धन्यवाद मालिक बाबा, चाय क्या है, अमृत है यार। भाई कल्पेश्वर के बाद हम जा रहे हैं ध्यान बद्री के मंदिर में, क्योंकि वहाँ का दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य में देखो सुंदर उर्गम घाटी के खेत, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या ही व्यू है। तो ये घंटाखंड जी का मंदिर है यहाँ पे, घंटाखंड उर्गम घाटी से आगे, और जहाँ हम जा रहे हैं नीति घाटी, वहाँ पर भी घंटाखंड जी को बहुत पूजा जाता है, रक्षक ही होते हैं ये। देखो क्या सुंदर वैली है।
तो लोग, ये है सप्त बद्रियों में से एक ध्यान बद्री जी का मंदिर। अंदर तो अलाउड नहीं है दिखाना, तो अगर आप उर्गम घाटी आ रहे कल्पेश्वर के साथ, इनके भी दर्शन अवश्य करना है, नहीं तो दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तो बोलो ध्यान बद्री बाबा की जय। तो यहीं पे है मेरे पीछे, आप देख रहे हो बढ़िया है ध्यान बद्री जी का मंदिर। और सामने देखो उर्गम घाटी, और पीछे क्या सुंदर हिमालय दिख रहा है वहाँ पर, क्या सुंदर नेगी और सागर दिख रहे हैं, वो सुंदर हिमालय भी दिख रहा है। और जहाँ पर नारायण होंगे वहाँ पर उनके आराध्य, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। तो यहाँ पे देखिए आप, नंदी जी हैं और नारायण के आराध्य भी हैं यहाँ पे, भगवान शिव जी हैं। तो भाई लोग, अभी हम आ गए हैं जोशीमठ में, जो हमारा स्टे है वहाँ पे, और ये है हमारा रूम। वो नेगी है देखो, बिल्कुल बनाता हुआ रूम, बढ़िया। ये सागर है, ये टीवी है, ये बैग हैं, ये सोफा भी है यहाँ पे बढ़िया सा। और इधर बाहर बालकनी है बहुत ही ज़बरदस्त। और उधर जोशीमठ का, ये नीचे जोशीमठ है, और आगे पहाड़ का व्यू अभी दिख नहीं रहा, सुबह दिखाएंगे आपको। अभी क्या और क्या देते हैं, हाँ ये भी है, ये बाथरूम है वहाँ पे, मतलब वही करना, और यहाँ पे मुंह धोने का है। ये तुम्हारा भाई है, ठीक है। तो अभी हम हैं होटल तथास्तु में, जो कि जोशीमठ में ओली रोड पे, यही हमारा स्टे है। बढ़िया रूम है, अच्छे बढ़िया, मतलब जोशीमठ में ऐसे रूम देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप भी अगर अगली बार अगर जोशीमठ आ रहे हैं, ओली आ रहे हैं, या बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आराम से आओ, रुको, बढ़िया से हमारा रेफरेंस भी दो, केदारवासी का रेफरेंस दो, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा होटल तथास्तु, बस आ जाना फिर। तो अभी हमने खाना खुना खा दिया, और इसके बाद हमने कल जाना है नीति, सुबह आपको कल का ब्लॉग सुबह ही शुरू करेंगे। तो बस यही था आज का ब्लॉग, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी जय हिंद, जय केदार।